डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो कॉल दिया था और कोई कारण से मैंने एग्जिट करवा दिया, लेकिन वो 6 रुपया वाला, 8 रुपया वाला 150 रुपया बिका। तो दूसरों की गलती मैं नहीं मानता हूँ, मैं अपनी ही गलती मानता हूँ। तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और ये आज की समरी है। नेट में 995 रुपये घटा हुआ, कल BTST जो लेके गए थे 80 रुपये में 23 रुपये में निकल गए। और फिन निफ्टी, यही मैंने थोड़ा गलती हो गया मेरे से, 8.5 रुपये में दिलवाया था, देखिए 10:40 में, और ये 150 रुपये बिक गया। खैर अपने 150 नहीं रखते, 70-80 में तो निकल ही जाते हैं, लेकिन चलो जो हो गया मेरी गलती है। और उसके बाद निफ्टी पोजिशनल लेके आए हैं 26 अक्टूबर वाला, 19,500 का पुट 95.5 में, और क्लोजिंग दिया 94.30 रुपया। तो नेट बेसिस पे आज 995 रुपया लॉस है। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और शायद आप लोगों को पता हो तो परसों का वीडियो, मैंने वीकली वाला वीडियो में भी मैंने कहा था कि कॉल भी इन लोगों ने बेचा है, पुट भी बेचा है, और मंडे को गैप डाउन खुला, कॉल इन लोगों ने कवर कर लिया। और कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अगर बाजार इतना नीचे खुला और उसके बाद भी पुट नहीं निकाला है इन लोगों ने, तो ये इसमें सौदा कोई बड़े आदमी का है, क्लाइंट में सौदा किया लेकिन सौदा बड़े आदमी का है, और सेम आज उन्होंने पुट निकाल दिया। तो इतना लॉस तो छोटे क्लाइंट दे नहीं सकते, वो तो काटेंगे। कल का जो माहौल था, सौदा काट के जाते, लेकिन ये अपने सही पकड़े हैं और आज उन्होंने स्क्वेयर पोजीशन कर ली, तो पोजीशन हल्की हो गई मार्केट में तेजी की। तो अब हो सकता है कल एक सुबह फर्स्ट हाफ तेजी रखे, लेकिन सेकेंड हाफ से प्रॉफिट टेकिंग पूरा आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखते हैं आपने कल क्या हो सकता है और कैसा रह सकता है दिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में बेनिफिट होता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एस पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए, आज FII ने इंडेक्स में 2821 करोड़ का बाई किए और 2518 करोड़ का सेल किए। नेट बेसिस पे 303 करोड़ का बाई किए, यानी शॉर्ट कवरिंग किए। LS रेशियो 0.35 है। और FII ने FLO स्टॉक्स में अच्छा बाई किए 4343 करोड़ का, और FII ने कैश में बेचे 1005 करोड़ का, और DII ने 1963 करोड़ का बाई किए। DII फुली सपोर्ट कर रहे हैं अभी मार्केट को, देखते हैं कितने दिन तक करते हैं वो लोग। ये डाटा सीट है 10 अक्टूबर की, और 11 अक्टूबर को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने आज 11,874 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग किए, तो अब उनके 92,037 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए रहते हैं। और DII ने 377 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, तो नेट बेसिस में अभी उनके शॉर्ट है 15,276। FII ने आज 2145 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो नेट बेसिस पर वो अभी भी लॉन्ग शॉर्ट में है 85,674 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 13,642 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो लॉन्ग में सिर्फ 8,913 कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने आज सोल्ड किए 1,63,506 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 2,10,313 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने आज सोल्ड किए 92,781 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में आ गए 1,48,621 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने आज 2,56,286 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो कल वो शॉर्ट में थे, आज उसका फिर रिवर्स कर दिया, तो अब 61,691 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में देखते हैं तो क्लाइंट ने आज 5,21,648 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, देखिए यही मैंने कल पकड़ा था, और आज देख लीजिए 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में क्लाइंट ने बाई कर लिए शॉर्ट में थे, तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। और अभी उनके शॉर्ट रहते हैं 1,39,012 कॉन्ट्रैक्ट।
डीआई ने 5,369 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस अभी भी लॉन्ग है वो 1,42,186 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में। एफआई ने सोल्ड किए 2,06,270 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में, तो नेट बेसिस अभी लॉन्ग में है वो 2,06,139। और प्रो ने 3,10,009 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे अब कल वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग थे, आज उसके रिवर्स हो गए, 2,00,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए। तो ओवरऑल समरी देखा जाए तो एक बार बाजार मुझे सुबह तेजी लग रहा है फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग फुल जोर से आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं क्या होता है कल। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट जहां पड़े हुए 9,160 के पास बेचिए, सपोर्ट 9,105 9,075, ऊपर में रही 9,190 9,220। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 9,100 का पुट है जहां कटे हुए 3165 के पास लिए, सपोर्ट 20 रुपया क्लोजिंग बेस रहेगा, माने 3.15 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये आप क्लियर नोट कर ले, ऊपर में रेजिस्टर 72 और 85 तक जा सकता है। वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 66,100 के नीचे सेल जोन, ऊपर में रेजिस्टर 66,300 और सपोर्ट 65,765 65,455। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल जहां पड़े वहां 19,750 के पास बेचिए, स्पॉट क्लोजिंग दिया है 19,690 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 19,812 का रखिए और सपोर्ट नीचे में 19,650 और 19,600 तक कल आ सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19,750 का पुट है वीकली वाला जहां घटे हुआ 48 रुपया 65 पैसा के पास लीजिए, सपोर्ट 41 और 33 रुपये दिया है, लेकिन वो क्लोजिंग बेस रहेगा यानी 3.15 का स्टॉप लॉस रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 120 तक कल जा सकता है। ये वीकली कम इंट्राडे आज जो हम लोग लेके गए बीटीएसटी कम पोजिशनल लेके गए हैं, 26 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला मंथली एक्सपायरी वाला निफ्टी 19,500 का पुट है वीकली वाला, ये कल के लिए लेवल है, एवो 94 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, नीचे में सपोर्ट 72, 20 और 50 का रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 112, 135। अगर बाजार ऊपर खुलता है तो ये आपको 72 में मिल जाएगा, तो यहाँ लेना चाहिए, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे में 112 तक 135 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट जहां पड़े हुआ 19,879 यानी 80 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 19,925 का रखिए, सपोर्ट नीचे में 19,788 और 19,715 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,850 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 62 के पास लीजिए, सपोर्ट 35 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 110 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट जहां बड़े हुआ 44,500 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 44,765 का रखिए, सपोर्ट 44,284 44,080 तक आ सकता है। अगर आपको 44,200 का 100 का पुट या 300 का पुट जितना नीचे मिले कल मेरे हिसाब से लेना चाहिए, जैसे आज फिन निफ्टी में कॉल को खींचा है कल मुझे लग रहा है कि पुट को खींचेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने लेवल दिए तो लेवल आवे तो आप ध्यान रखिएगा, वॉच कीजिएगा और जब चलने लगे तो कुछ जाइएगा। इंट्राडे वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,300 का पुट
51 से 38 का रेंज है, अगर ये तोड़ देता है तो नीचे में मैंने तीन सपोर्ट दिए, 22 रुपया, 16 रुपया और 11 रुपया। वहाँ पर जीरो हीरो, कल का जीरो हीरो यही रहेगा, जितना नीचे में मिले लेकर बैठ जाइए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सेकंड हाफ में ये 44,000 तक जाना चाहिए, तो 44,000 तक जाएगा तो ये 156 से 210 रुपया तक मिनिमम है, 210 के ऊपर 280 तक भी जा सकता है। इंट्राडे कम पोजिशनल है 11 अक्टूबर 2023 के लिए। बैंक निफ्टी 44,000 का पुट 26 अक्टूबर एक्सपायरी वाला, एबो क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए, और इन केस अगर बाजार ऊपर खुलता है तो ये आपको 210-20 के पास मिले तो लेना चाहिए पोजिशनल। और सपोर्ट 100 रुपये का क्लोजिंग बेस 2 डेज चाहिए, 2 दिन हो तो उसके बाद निकल जाइए। और रेजिस्टेंस ऊपर में 305-365, ये कल का है, फिर वीकली का मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।